हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बनाए रखने के लिए किस अंग की आवश्यकता होती है या कौन करता है ये? तो इसका आंसर है सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो फ्रेंड्स, पहला भारतीय नागरिक थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में मिला था। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो मिड डे मील योजना जो है 1995 में शुरू हुई। फ्रेंड्स, हम जल्दी जल्दी करेंगे। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? आमार सोनार बांग्ला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेक्स्ट है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक थे बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, बहुत सारे चीजों को इंक्लूड किया गया था इसीलिए। नेक्स्ट है, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो वो ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण ले जाते हैं। जो भी गैस के सिलेंडर होते हैं उसमें ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन है? तो होम्योपैथी के संस्थापक थे हनी मैन। नेक्स्ट है, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो वो है एथिलीन। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो वो है चैत्र, जिसको हम बहुत शुभ माह भी बोलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ये हो गया। पंडित हरिदास चौरसिया कौन सा वाद्ययंत्र बजाते हैं? तो वो है बांसुरी। या फिर ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि पंडित हरिदास चौरसिया जो है वो किस वाद्य यंत्र के लिए फेमस है? तो वो है बांसुरी। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो वो है पृष्ठीय तनाव के कारण। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो मानव निर्मित प्रथम रेशा है नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए? तो उन दोनों के बीच दूरी होनी चाहिए 17 मीटर की। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो वो है निर्वात। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्ण सबसे अधिक होता है? तो वो है बैंगनी। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वो है अवतल दर्पण। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो वो है 25 वर्ष। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो वो कराया था अशोक ने। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो है कर्नाटक का। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो वो है भारत और चीन। नेक्स्ट है, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो वो है तना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो वो है बिहार की। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो वो है नेपाल में। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो वो है गोदावरी। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो बनाती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो वो था लोथल। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो वो है अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो है पामीर या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो वो है केरल। कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो वो है हुगली। पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो ये बताया था जगदीश चंद्र बसु ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो वो स्थापित किया गया था अहमदाबाद में।
मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं, और अगर वो वैसे पूछा जाए आपसे क्वेश्चन में कि कुल कितने होते हैं तो आपको बताने हैं 46, और अगर वो पूछा जाए कि जोड़े बताइए तो आपको बताने हैं 23। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा पे चंद्र ग्रहण लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो वो शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो वो होता है 80 से 120 मिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो वो होता है 22 दिसंबर। रामचरितमानस किसने लिखी? तो वो लिखी थी तुलसीदास जी ने। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो वो किए गए थे मई 1959 में, 51 में, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से नापा जाता है? तो वो नापा जाता है बैरोमीटर से। पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो होता है विटामिन B3। नेक्स्ट है, मछलियों के यकृत तेल में कितनी किसकी प्रचुरता अधिक होती है? तो मछलियों का जो यकृत तेल होता है उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है विटामिन D। नेक्स्ट है, भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो वो होती है 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस से 98.4 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस की प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी में जो प्रयुक्त होती है गैस वो है हाइड्रोजन। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वो था मिहिर सैन। नेक्स्ट है, एक अश्व शक्ति कितने बाट के बराबर होती है? तो वो होती है 746 यानी 746 वॉट। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? तो ये दिखाई देते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक रंग कहा जाता है लाल, हरा और नीला को। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? तो वो भरी होती है हीलियम। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का प्रयोग होता है? तो वहां होता है टिन व सीसा का। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो वो है आंख से। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो वो है वैलेंटाइन तेरेश्कोवा। फ्रेंड्स, अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम्स में इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके सारे क्वेश्चंस फंस जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे चार्ल्स डार्विन। सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो वो है पारा या मरकरी। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो है लैक्टोमीटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो है नाभिकीय संलयन पर। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा, ये हो गया, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वो है नाभिकीय संलयन पर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो वो है डायोप्टर। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो वो बनी होती है सिलिकन की। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो वो है टेनिस से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? तो वो रहता है 65 वर्ष की आयु तक। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो वो है पूना के पास, खंडल वासला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो वो धड़कता है 72 बार। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो वो हुई थी 1872 में। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो वो होता है टेनिस में। भारतीय जल सेना के थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जनरल K.M. करियप्पा। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो है मणिपुर का। पार्सेक किसकी इकाई है? तो वो है खगोलीय दूरी की। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। पराश्रव्य तरणों की आवृत्ति कितनी होती है? तो वो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक।
मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वो है होमोसेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो वो है पश्चिम बंगाल। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो वो है पुष्कर, जो कि राजस्थान में है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है रेबीज, या जिसको हम हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो वो होता है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो वो दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो इसका आंसर है येन। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो वो होता है हॉकी में। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो वो है लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी गुरु नानक देव जी ने। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? तो वो हर 10 साल बाद होती है। अभी जो हुई थी वो 2011 में हुई थी। मेघदूत किसकी रचना है? तो वो है कालिदास की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थे क्लेमेंट एटली। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो करता है त्वचा को। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की? तो वो की थी रॉबर्ट वॉर्डन पावल ने। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर। पेनल्टी किक शब्द किस खेल से में प्रयुक्त होता है? तो वो प्रयुक्त होता है फुटबॉल में। याद रखना, अगर पेनल्टी स्ट्रोक की बात की जाएगी तो हॉकी है, क्योंकि हॉकी में हम स्ट्रोक यूज करते हैं। और पेनल्टी किक की बात की जाएगी तो वो फुटबॉल है, क्योंकि हम फुटबॉल में किक मारते हैं। ठीक है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो वो है क्रिकेट। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो वो है देहरादून में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी विचित्री बाल पाल। संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो वो है राज्यसभा। नेक्स्ट है, पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो वो है विष्णु शर्मा, जिन्होंने पंचतंत्र लिखी थी। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वो है मैडम मैरी क्यूरी। सार्क या डचेस का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है काठमांडू, जो कि नेपाल में है। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो वो थे कपिल देव। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो वो है 12। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1901 में शुरू हुए थे। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो वो है टका। नेक्स्ट है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो है उत्तर प्रदेश। पायोरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो वो है दांत और मसूड़े। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है गोदावरी। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है पंचशील समझौता। सन 2010 में फुटबॉल कप विश्व कप किस देश ने जीता था? तो वो जीता था स्पेन ने। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो वो है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां, जो कि सोनीपत में है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन है? तो वो है अनिल कुंबले। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कहाँ हुआ? तो वो था रूस। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो है चीन। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो वो है 2। वहां राज्यसभा की बात की जा रही थी फ्रेंड्स, तो थे 12, और यहाँ लोकसभा की बात की जा रही है तो है 2, और अगर टोटल पूछे तो होते हैं 14। 12 होते हैं राज्यसभा के, 2 होते हैं लोकसभा के। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो वो है ए बी। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वो है 24। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए?
वो होते 1961 में। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो वो है लियोनार्डो दी विंसी की। स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? तो वो है हरियाणा। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो वो थे 42 वे। और फ्रेंड्स हमने इसको पहले भी डिस्कस किया था, तो ये इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों को जोड़ा गया था। ठीक है, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के सदस्य करते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ में। विश्व का सबसे लंबा यानी 9,438 किलोमीटर रेल मार्ग जो कि है ट्रांसबेरियन, जो कि रूस में है, किन दो शहरों को जोड़ता है? तो वो जोड़ता है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्तोक को। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो वो है नर्मदा का। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो है राजस्थान में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो वो लगाया था सूरत में, जो कि गुजरात में है। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो वो लिखी थी अबुल फजल ने। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो वो होता है हॉकी में। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो वो पुकारा जाता है पीटी उषा को। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो वो है उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो वो की गई थी मुंबई में 1875 में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो हम जानते हैं फ्रेंड्स, ये है ऋग्वेद। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन को मनाया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये ट्रांबे मुंबई में है। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी बाबर ने। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो वो थी किरण बेदी। कथक किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो वो है उत्तर प्रदेश। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी है? तो वो है श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो वो है क्रिकेट में। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो वो है हीरा। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो वो किया था अल्फ्रेड नोबल ने। बिस्मिल्ला खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो वो है शहनाई। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस खेल से है? तो वो है फिल्म से। एड्स का पूर्ण वास्तविक विस्तार क्या होगा, पूर्ण नाम क्या होगा? तो वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो वो इसका फैसला करेगा लोकसभा अध्यक्ष। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो वो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो वो है भूटान। गोदान किसकी रचना है? तो वो है मुंशी प्रेमचंद जी की। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से में फैलती है? तो वो है H1N1 से। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 25 जनवरी को। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो वो है राष्ट्रपति। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो वो हुआ था 1920 में। तो फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप ऐसी ही वीडियो और चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे इसी तरह की और भी वीडियो बनाने की। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।